आज हम बात करेंगे सीरियल गुड्डन की। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सीरियल में टसन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुर्गा बहू की शर्त गुड्डन मान लेती है। गुड्डन कहती है कि हम तैयार हैं। दूसरे दिन विक्रांत गोयल की टीम और गुड्डन की टीम एक दूसरे के अपोजिट खड़ी होती है। टॉस होता है, टॉस विक्रांत जीतता है। विक्रांत की टीम बैटिंग करती है। मैच 5 ओवर का होता है। परब की चीटिंग के कारण वे 5 ओवर में 93 रन का विशाल स्कोर खड़ा करते हैं। परब बैट में स्प्रिंग लगवा के लाता है, इस वजह से वे 93 रन बनाने में सफल रहते हैं। 94 रन का लक्ष्य पीछा करने के लिए गुड्डन और एजे की जोड़ी क्रीज पर आती है। विक्रांत की पहली ही बॉल पर गुड्डन क्लीन बोल्ड हो जाती है, लेकिन वो नो बॉल होती है, इसलिए गुड्डन आउट होने से बच जाती है। गुड्डन एजे बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं। विक्रांत बॉल में यानी विक्रांत नहीं परव बॉल में कुछ छेड़खानी कर देता है, इसलिए बॉल बहुत कम भागती है। एजे रन आउट हो जाता है। एजे बॉल चेंज कर देता है। एक बॉल बची होती है, गुड्डन स्ट्राइक पर होती है। बॉल डालने वाला होता है विक्रांत। एक बॉल पर 6 रन की दरकार होती है। गुड्डन जोर से बैट घुमाती है और बॉल को सीमा पार भेजने में सफल रहती है। इस प्रकार गुड्डन वो मुश्किल मैच जीत जाती है और विक्रांत को धूल चटाने में सफल रहती है। क्या विक्रांत वह घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा, ये देखना बाकी दिलचस्प होने वाला है। या फिर सीरियल में और ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। इससे जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।